देहरादून से बड़ी खबर। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर भाजपा संगठन का बयान भी सामने आ गया। भाजपा संगठन का कहना यह है कि अगर किसी की संपत्ति से जुड़ा विवाद है तो उसकी जांच के लिए सरकारी संस्थाएं हैं, और साथ ही भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि इसके पीछे साजिश की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से अगर जो अर्निंग होती है तो उसके वो टैक्स पेयर करता है, इनकम टैक्स है, बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जिनमें वो चीज़ें जाती हैं। ये उनका व्यक्तिगत भार है वो कि कैसे चीज़ें आई हैं, कि आपके संज्ञान से हमारे नॉलेज में भी आया है। निश्चित रूप से इस पर मेयर साहब भी स्पष्ट कर पाएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये सारी साजिशें जिस प्रकार से चल रही हैं। तो सुनील उनियाल गामा की संपत्ति को लेकर सियासत खूब हो रही है। इसी पर और जानकारियों के साथ विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, संपत्ति को लेकर एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ सियासत भी लगातार हो रही है। हालांकि संगठन गामा के समर्थन में उतर आई है और ये कहा जा रहा है कि साजिश की जा रही है उनके खिलाफ। विनोद, बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है और जिस लिहाज से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है उसमें बिल्कुल सियासत शुरू हो गई है। और देहरादून के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा। जब वो शहर के मेयर बने थे तो करीब उन्होंने अपनी संपत्ति 2 करोड़ की दर्शाई थी, लेकिन अब वो बढ़कर 50 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। यानी करीब 4.5 साल हुए हैं और 4.5 सालों में सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ ये खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट के जरिए ये खुलासा हुआ है। उसकी सूचना के अधिकार में ये जानकारी मिली है, जिसमें करीब 10 गुना संपत्ति सुनील उनियाल गामा की में बढ़ोतरी हुई है, चाहे कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, भवन हो या तमाम अन्य प्रकार की जो संपत्ति है उसमें उन्होंने अर्जित की है। और साथ ही साथ जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी ये मांग की है कि सुनील उनियाल गामा की विजिलेंस जांच हो कि आखिरकार इतनी संपत्ति उनके पास में किस तरह से आई है। हालांकि अगर पूर्व के जितने भी मेयर अब तक देहरादून में रहे हैं, चाहे भाजपा के हो या फिर अन्य हो, उनकी संपत्ति अब तक इतनी नहीं रही है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब सत्ता में त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे उसी दौरान मेयर के पद पर सुनील उनियाल गामा की भी ताजपोशी हुई थी, तो त्रिवेंद्र के खासम खास व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से संपत्ति में एकदम बढ़ोतरी हुई है, यानी पिछले 4.5 साल में सुनील उनियाल गामा की संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है, उसको लेकर कांग्रेस हो भाजपा हो आपस में बिल्कुल सियासत जारी है। भाजपा बिल्कुल सुनील उनियाल गामा के पक्ष में है और साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि इतनी संपत्ति आखिरकार किस तरह से उन्होंने अर्जित की है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में इस तरह की देखी है कि जब उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग भी थे या कुछ अधिकारी थे जिन पर आय से अधिक संपत्ति देखने को मिली, उन पर सरकार ने जांच कराई, तो आखिरकार कांग्रेस इसी बात को कह रही है। अचानक से गामा की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और इसी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।